वेलकम टू यूपीएससी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4, इंडिया ऑन द एवा ऑफ ब्रिटिश कन्क्विस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 3 इन प्रीवियस 3 वीडियोस। मस्ट वॉच दीज वीडियोस बिफोर दिस, ओके? एंड लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, दैट इज 1700 टू 1750, हमने क्या देखा? डिक्लाइन ऑफ माइटी मुगल्स। हमने देखा कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी और ये सब होती है 1750s के अंदर, उससे पहले कैसे बहादुर शाह जो है, कैसे उनका, उन सब का डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। फॉर ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज द रीन ऑफ औरंगजेब जो है, जो उनका जब शासन था, प्रूव टू सिग्निफाई द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। जैसे उनका, उनकी डेथ, मतलब उन जब औरंगजेब भी होते हैं तो भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी डेक्कन पॉलिसी रखी। डेक्कन पॉलिसी के तहत वो क्या करते थे कि डेक्कन में उन्होंने इन्वेजन स्टार्ट कर दिया, जिससे नॉर्थ में उनका कंट्रोल लूज होता गया और वहाँ से वो डिसइंटीग्रेट होते गए। तो ये बोला जाता है कि इट इज़ आर्ग्यूड दैट औरंगजेब मिसगाइडेड पॉलिसी वीकेंड द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड डिक्लाइन गेन मोमेंटम आफ्टर हिज डेथ ड्यू टू द वॉर्स ऑफ सक्सेशन एंड वीक रूलर्स। उनके वीक रूलर्स थे और वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ कि कौन जीतेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो बहादुर शाह जो है, अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि बहादुर शाह जो थे वो बहुत ही एज्ड हो चुके थे, जो कि लड़ते लड़ते कैसे ना कैसे गद्दी पे बैठे, लेकिन वो बहुत एज्ड हो चुके थे, 50s में उनकी एज हो गई थी। तो दो मोहम्मद शाह रूल्ड फॉर अ लॉन्ग स्पेल ऑफ 20, और इन मोहम्मद शाह के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिनको बेसिकली रंगीला नाम से जाना जाता है। उन्होंने सबसे लॉन्ग उन्होंने रूल किया 29 ईयर्स के लिए। अ रिवाइवल ऑफ द इम्पीरियल फॉर्चून्स डिड नॉट टेक प्लेस एज ही वॉज इनकम्पिटेंट रूलर, क्योंकि ये अच्छा रूलर नहीं था। मोहम्मद शाह रीन विटनेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और इनके ही रीन में होता है कि जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, और जैसे कि हैदराबाद, बंगाल, अवध एंड पंजाब, ये लोग इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो गए। और कुछ लोकल चीफ्स जो थे बिगिन टू एक्सर्ट देयर इंडिपेंडेंस, एंड मराठा बिगिन टू मेक देयर बिड टू इनहेरिट द इंपीरियल मेंटल। मराठास भी इनको फिर टक्कर देने लग गए थे। अब मुगल्स के आगे क्या क्या चैलेंजेस थे, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द मुगल्स? एक तो भारी क्या चैलेंज थे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, अब इतने वो अच्छे मतलब वीक सक्सेसर्स थे, तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था वहाँ से कोई भी आ सकता था। तो एब्सेंस ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ, मुगल कुड नॉट तो टफ फ्रंट अगेंस्ट एक्सटर्नल चैलेंजेस विच कम इन द फॉर्म ऑफ सेवरल इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स हैज़ बीन निगलेक्टेड बाई लेटर मुगल्स एंड नॉट मच एफर्ट वर एक्सटेंडेड इन प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर। ठीक है, वही वाली बात है कि अब सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से कौन आ रहा है? नादिर शाह है। ये एक पर्शियन एम्परर थे जिन्होंने इंडिया में अटैक किया 1738 से 1739 में, और लाहौर को कंकर्ड करा, मतलब वहाँ पे इन्वेड करना, डिफीटेड द मुगल आर्मी वहाँ पे, लाहौर में मुगल आर्मी को डिफीट किया कर्नल पे, कब? 13 फरवरी 1739 में। बाद में मोहम्मद शाह जो थे वो कैप्चर्ड किए गए और दिल्ली को लूट लिया गया और डिवास्टेटेड, मतलब एकदम उसको ख़त्म कर दिया गया। और कुछ ये भी बोला जाता है कि जो पिकॉक थ्रोन था ना, उसके अंदर से कोहिनूर डायमंड भी वो निकाल कर ले गए थे। 70 करोड़ रुपीज़ उन्होंने कलेक्ट किया ऑफिशियल ट्रेजरी से, एंड सेफ ऑफ द रिच नॉबल्स। नादिर शाह गेन्ड द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मुगल टेरिटरी टू द वेस्ट ऑफ इंडस इंक्लूडिंग काबुल, और उन्होंने पूरा काबुल तक अपना जो वर्चस्व है वो फैला लिया। दस इंडिया वंस अगेन बिकम वल्नरेबल टू द अटैक्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अब दूसरे जो आते हैं, अभी पहले नादिर शाह थे, दूसरे आते हैं अहमद शाह अब्दाली, जिनको अहमद शाह दुर्रानी भी बोला जाता है, जो कि इलेक्टेड थे सक्सेसर नादिर शाह के आफ्टर द लेटेस्ट डेथ इन, उनकी जब डेथ हो जाती थी 1747, उसके बाद इन्वेडेड इंडिया सेवरल टाइम्स उन्होंने। अब जो अब्दाली थे उन्होंने बहुत बार इंडिया में इन्वेड किया 1748 से लेकर 1767 में। ठीक है, ही कंटिन्यूसली हैरेस द मुगल्स हु ट्राइड टू बाय पीस बाय सीडिंग पंजाब टू हिम। और मुगल्स ने भी बोला कि बार बार आ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी प्लंडरिंग कर रहे हैं, तो इससे अच्छा इनको शांति बनाओ और पंजाब इनको दे दो। तो इन्होंने पंजाब जो है अहमद शाह अब्दाली को दे दिया 1751 से 52 के अंदर। तो इन 1757 अब्दाली ने फिर दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया,
क्योंकि यार एक बार किसी को कुछ मिल जाता है तो वो एक्सपेंड करने की और कोशिश करता है कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तुमने दिल्ली को कैप्चर किया और लेफ्ट बिहाइंड और अपना एक अफगान केयर टेकर जो है मुगल एम्परर को देखने के लिए वो छोड़ के चला गया। बिफोर हिज रिटर्न अब्दाली हैज रिकॉग्नाइज अलमगीर सेकेंड एज द मुगल एम्परर एंड द रोहिला चीफ नजीबुद्दौला एज मीर बख्शी ऑफ द एम्पायर। ठीक है, और जब वो छोड़ के गया तब उस टाइम कौन था, आलमगीर सेकंड जो था वो तो मुगल एम्परर था और जो वहाँ के मीर बख्शी जो एक पीएम बोलते हैं वो एक रोहिला चीफ थे नजीबुद्दौला, एक्ट एज अ पर्सनल सुप्रीम एजेंट ऑफ अब्दाली। इन 1758 में क्या होता है कि नजीबुद्दौला वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम दिल्ली बाय द मराठा चीफ। अब जो इन्होंने ये जो आलमगीर सेकंड एक तो मुगल एम्परर को बना के गए थे और एक नजीबुद्दौला थे, तो नजीबुद्दौला को जो दिल्ली में बैठा था वहाँ पे मराठा चीफ आते हैं रघुनाथ राव आते हैं और उसको हटा देते हैं गद्दी से और पंजाब भी कैप्चर कर लेते हैं। फिर ये सब जब ये बात अहमद शाह अब्दाली को पता लगता है तो 1759 में अहमद शाह अब्दाली क्या करते हैं, फिर से इंडिया को आते हैं और रिवेंज लेते हैं मराठास से। और 1761 के अंदर अब्दाली जो है वो मराठास को डिफीट कर देते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, और इसी के साथ अब्दाली का ये लास्ट इन्वेजन होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर। और इसके अंदर बॉक्स में ये लिखाया है कि वाई मैनी एम्पायर शेकिंग बैटल जो है वो पानीपत में ही हुई, क्यों हुई। देखो सबसे पहले तो ना ये क्वेश्चन मेंस के लिए बहुत बनता है, ठीक है, कि भाई पानीपत में ही क्यों लड़ाई हुई। तो पानीपत एक ऐसा रीजन था जो कि आज के टाइम पे हरियाणा पे लोकेटेड है और हरियाणा में बैंक्स ऑफ यमुना के ऊपर लोकेटेड है और यहाँ पे काफ़ी बैटल हुई है, जैसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सारी हुई है। तो क्या ऐसा फेवरेबल था, पहली बात तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। क्यों, क्योंकि जैसे ही नॉर्थ वेस्ट से आप आओगे तो यहाँ पे आपको राजस्थान मिलेगा, लेकिन ऊपर से आओगे ना नॉर्थ वेस्ट से तो डायरेक्ट यहाँ पे आते ही आपको पानीपत हरियाणा वाला रीजन मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और होता है कि पानी एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, फिर उसके बाद में कि इट्स प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली मेक इट ईजियर फॉर द इंडियन रूलर्स टू ट्रांसपोर्ट वेपन्स, और वहाँ पे प्लेन एरिया है तो यहाँ पे जो वेपन्स है या आर्टिलरी है वहाँ पे वो अच्छे से भिजाई जा सकती है। और जो वहाँ का जो पानीपत की सराउंडिंग है वो भी एक फ्लैट ग्राउंड है, और जब ग्रांड ट्रक रोड जब शेरशाह और सूरी ने जब बनाई तो इसे एक रूट मिला पानीपत के लिए कि वहाँ पे आराम से चीज़ें जो है भिजाई जा सकती है। और ड्यूरिंग मॉनसून रेलफॉल इन द रीजन इज शॉर्ट, यहाँ पर जो मतलब बारिश भी होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हमने अगर ज्योग्राफी पढ़ ली होगी तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो रीज़न होता है यहाँ से हिमालय से टच होकर फिर से रेन चल जाती है, बट ये थोड़ा इस साइड पड़ता है तो यहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती है, तो ये भी एक रीज़न हो जाता है। तो इसलिए पानीपत में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है। तो ये हो गया ब्रीफ, एक बैकग्राउंड हो गया। अब हमारे रूलर्स आएंगे कौन कौन से, औरंगजेब के बाद जो रूलर्स थे वीक रूलर्स थे वो कौन थे। सबसे पहले आता है बहादुर शाह वन। हमने देखा कि ऑलरेडी जब ये गद्दी पे आए तो ये ऑलरेडी 63 ओल्ड हो गए थे, और इनका नाम था प्रिंस मौजम, जो कि एक एल्डेस्ट सन थे औरंगजेब के। बिकम द एम्परर टेकिंग द बहादुर शाह, उन्होंने बहादुर शाह का नाम लिया और इन्होंने अपने भाइयों को मारा मोहम्मद आजीम कम बख्श बोर्ड ऑफ सक्सेशन में, और काफ़ी खान एक थे वहाँ पे, उन्होंने इनको टाइटल दिया था शाह बेखबर, क्योंकि इनको कुछ भी चल रहा होता तो कुछ पता ही नहीं होता था, बहुत ही बेखबर से रहते थे हर चीज़ से। तो इनका नाम भी, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि शाह बेखबर किसने नाम दिया बहादुर शाह को, तो किसने दिया, काफ़ी खान ने ना इनको नाम दिया। ही अडॉप्टेड अ पैसिफिक पॉलिसी विद द मराठास, मराठास के साथ पैसिफिक पॉलिसीज की, उनकी लाइफ उतना इंटरफेयर नहीं कर रहे थे मराठास में। मराठा चीफ जो था शाहू उनको भी इन्होंने रिलीज़ कर दिया था, शाहू जो था मराठा प्रिंस उनको भी रिलीज़ कर दिया था, जो कि किसने कैप्चर किया था, औरंगजेब ने कैप्चर किया था। ठीक है, वर कन्फर्म्ड इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। हाउएवर सिख लीडर, जो सिख लीडर बंदा बहादुर थे, उन्होंने मुस्लिम्स पे अटैक किया पंजाब में, तो इसलिए एम्परर ने उसके खिलाफ वो लिया, एक्शन लिया और बहादुर शाह को बिहेड कर दिया। बिहेडेड मतलब उनको गर्दन से उनकी हत्या करवा दी, उनकी मृत्यु करवा दी। नेक्स्ट हमारे रूलर थे जहेंद्र शाह, जो कि रूल करते हैं कुछ एक साल ही, और ये किसके हेल्प से, जुल्फ़िकर खान जो है उसकी हेल्प से ये गद्दी पे आते हैं। जुल्फ़िकर जो थे, फिर इन्होंने जैसे ही गद्दी पे आए तो जुल्फ़िकर को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, और इन्होंने इनका मेन काम था कि इन्होंने इजारा सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करा, जिससे जो भी कंडीशन है फाइनेंशियल कंडीशन जो है एम्परर की, बिकॉज जैसे जैसे वीक सक्सेसर आ रहे थे तो पैसा इतना नहीं था मुगल्स के पास, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया,
इन्होंने जो है इजारा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, और एक इन्होंने दो इनके काम है, एक तो इजारा सिस्टम ये इंट्रोड्यूस करेंगे, और एक इन्होंने जजिया जो टैक्स लगता था, जजिया टैक्स क्या होता था कि जो मूवमेंट होता था ना नॉन हिंदूज़ का, नॉन मुस्लिम्स का, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था मूवमेंट के लिए भी, तो उसको भी इन्होंने अबॉलिश कर दिया। ठीक है, ये थोड़े से रिफॉर्म लेना चाहते थे, लेकिन शायद ये कुछ कम टाइम के लिए रुके तो ज़्यादा रिफॉर्म कर नहीं पाए। फरुख शेयर, फरुख शेयर को हम पढ़ के आए हैं पहले वाले चैप्टर के अंदर। फरुख शेयर ने सबसे ज़्यादा इनको ट्रेडिंग राइट्स थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो फरुख शेयर इस नाम से भी बहुत फेमस है। अब फरुख शेयर ने क्या किया, जहांदर शाह को मरवाया, किसके हेल्प से, सैयद ब्रदर्स के हेल्प से। इनका बहुत रोल आएगा हिस्ट्री के अंदर, सैयद ब्रदर्स का। और सैयद दो ब्रदर्स थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। तो फरुख शिया जो है वो नए एम्परर बनते हैं। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, इन्होंने भी कुछ कुछ हिंदूज के लिए टॉलरेंस दिखाई, और जजिया टैक्स, पिलग्रमेज टैक्स ये सब इन्होंने अबॉलिश करा। ठीक है, अबॉलिशिंग जजिया एंड पिलग्रमेज टैक्स इन 1770 ही गए फरमान्स, हमने देखा ये पहले वाले चैप्टर में कि फरमान्स दिए ब्रिटिश को। और 1719 में सैयद ब्रदर्स जो हैं किसकी हेल्प से, पेशवा बालाजी नाथ के हेल्प से, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। अभी तक दो मराठास का नाम आ चुका है, रघुनाथ राव का नाम आ चुका है और पेशवा बालाजी विश्वनाथ का नाम आ चुका है। उन्होंने फरुख शेयर को डीथ्रोन करके, ब्लाइंड करके मार दिया। बेसिकली ये क्यों किया गया था कि फरुख शेयर जो थे वो शायद इनको मरवाना वाला था, क्योंकि वो इंटेंशन इनके जान गया था। तो फिर इसी चक्कर में सैयद ब्रदर्स ने खुद ही हेल्प ली पेशवा बालाजी विश्वनाथ का, और फरुख शेयर को ब्लाइंड करके मार दिया। ये फर्स्ट टाइम मुगल हिस्ट्री में था कि किसी कोई भी एम्परर है, एम्परर वॉज किल्ड बाय हिज नोबल्स, एम्परर को किसी नोबल्स ने मरवा दिया। फिर कुछ कुछ बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए आएंगे, उनको हम नहीं पढ़ेंगे। रफ़ी उद दरियाजत है और एक है रफ़ी उद्दौला, कुछ भी इनका नहीं होता है। बस ये जान सकते हैं रफ़ी उद्दौला को उनको टाइटल दिया जाता है शाहजहां सेकंड का। फिर आते हैं मोहम्मद शाह, ही इज़ वेरी रंगीला पर्सन, जो कि बोला जाता है कि जो बहुत ही लग्जीरियस लाइफ के अंदर इन्वॉल्व थे। तो जैसे ही रफ़ी उद्दौला का डेथ होता है तो रोशन अख्तर जो है बिकेम द चॉइस ऑफ सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स चाहते थे कि अब रूलर्स, अभी कौन चला रहा था, सैयद ब्रदर ही डायनेस्टी चला रहे थे नोबल्स की तरह, तो उन्होंने बोला कि रोशन अख्तार जो है ना अब वो बनेंगे हमारे रूलर। तो मोहम्मद शाह एज ही बिकेम टू बी नोन एज इन द हिस्ट्री वॉज गिवन द टाइटल ऑफ रंगीला ड्यू टू हिज लग्जीरियस लाइफ स्टाइल। मोहम्मद शाह विद द हेल्प ऑफ निज़ाम उल मुल्क, निज़ाम उल मुल्क कौन है, असफ जहाँ अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, हैदराबाद के नवाब थे, तो उनकी हेल्प से उन्होंने सैयद ब्रदर्स को मरवाया कि बोला ये हम जो भी मरवा देगा तो इनको मारो पहले। तो 1724 में निज़ाम उल मुल्क जो है वो वज़ीर बनते हैं और उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया हैदराबाद। अब तीसरे मराठा आते हैं बाजीराव होवन। मराठा पेशवा जो थे उन्होंने दिल्ली में इन्वेड किया कुछ 500 घुड़सवारों के साथ में। तो इन 1739 नादिर शाह डिफीटेड। अब ये जो नादिर शाह आना, उनका डिफीट करना बैटल ऑफ कर्नल के अंदर, मोहम्मद शाह को इम्प्रेजन करना, ये सब किसके टाइम पे है, नादिर शाह का टाइम, मोहम्मद शाह का टाइम है। एरियाज ऑफ इंडस इंटू द पर्शियन एम्पायर। अब नेक्स्ट हमारे रूलर आते हैं, वो होते हैं अहमद शाह बहादुर, जो कि कुछ 48 से लेके 54 तक ये रूल करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर्स ये रूल करते हैं। ये भी एक इनकॉम्पिटेंट रूलर थे और इन्होंने सब अपना स्टेट अफेयर छोड़ दिया और अपनी मम्मी को दे दिया उद्धम भाई को, और उद्धम भाई से भी काम नहीं हुआ तो उद्धम भाई ने अपने, मतलब उनका टाइटल दिया जाता है किबला ए आलम। किबला ए आलम वो मतलब होता है एक पुअर इंटेलेक्ट लेडी, मतलब जिनके पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, उसने भी अपने एक परामोर, मतलब उनके चेले से, चेले का नाम था जावेद खान, उसको बोला कि यार तुम संभाल लो, तो किसी से कुछ संभला नहीं। लास्ट में फिर आलमगीर सेकेंड आ जाते हैं, वो जहेंदर शाह, जहेंदर शाह ने ऊपर सबसे ऊपर देखा था सेकेंड टाइम के टाइम, तो उनके क्या थे, बेटे थे। तो अहमद शाह अब्दाली द ईरानियन इन्वेडर जो थे रीच दिल्ली इन जनवरी 1757 ड्यूरिंग हिज रिजीन, बैटल ऑफ प्लासी फॉर्ट होती है, वॉज एक्सेसिनेटेड। यहाँ पे आलमगीर सेकेंड को एक्सेसिनेट कर दिया जाता है आलमगीर सेकेंड में। देखो दो ये चीज़ पूछी भी जाती है बहुत बार कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो आलमगीर सेकेंड के टाइम पे हुई। शाहजहाँ थर्ड जो थे उनको बोला गया मुही उल मिल्लत, ही वॉज प्लेस्ड ऑन अ थ्रोन एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रिग्स इन दिल्ली बट वॉज लेटर डिपोज थ्रू मराठा इंटरवेंशन। फिर नेक्स्ट हमारे रूलर आएंगे शाह आलम, शाह आलम सेकेंड जो है उनके बीच में दो, इनके टाइम पे दो बैटल होगी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी और बैटल ऑफ बक्सर भी होगी, और एक और होगी वो होगी बैटल ऑफ वांडीवॉश, बैटल ऑफ वांडीवॉश भी इन्हीं के टाइम पे होगी। तो ये चीज़, तीन चीज़ें याद रख लेना।
अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद ही वॉज टेकन अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्शन, जिसे हमने देखा था कि अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ये देखा नहीं है अभी, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या होगा, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी देखेंगे, तब हमें पता लगेगा। ही वॉज टेकन अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्शन एंड रिसाइटेड एट अलाहाबाद, जब वो उनको ट्रीटी साइन होगी तो ये अलाहाबाद में रहेंगे और कंपनी के प्रोटेक्शन में अंदर रहेंगे और कंपनी को काफ़ी ट्रेडिंग राइट्स भी ये अलाउ करेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। तो मराठा टुक हिम टू दिल्ली वेयर ही दिल्ली, जहाँ पे वो 1803 तक रहते हैं, और 1803 में ही एक्सेप्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ द इंग्लिश एंड आफ्टर द डिफीट ऑफ दौलत राव शिंदिया को भी जब ब्रिटिशर हरा देते हैं तो फिर ये फाइनली क्या करते हैं, कौन, शालम सेकेंड ब्रिटिशर्स के डोमिनियन के अंदर फिर काम करने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारे रूलर होते हैं अकबर शाह वन, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक राजा राम मोहन रॉय थे, उनको राजा का नाम दिया। और ड्यूरिंग हिज रिजीम इन 1935 द ईस्ट इंडिया कंपनी डिसकंटिन्यूड कॉलिंग इटसेल्फ सब्जेक्ट ऑफ मुगल एम्परर एंड स्टॉप्ड इशूइंग कॉइन्स। और हमने देखा था कि जो फर्रुखशाह का फरमान था उसमें उनको बोला गया था कि आप कंपनी के लिए, मतलब आप मुगल एम्परर के लिए कॉइन मिंट करेंगे, बट अकबर शाह सेकंड के टाइम पे ये देखा जाता है कि इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इशूइंग कॉइन मुगल एम्परर के लिए भी इन्होंने बंद कर दिए। बहादुर शाह सेकंड जो है फाइनली हमने देखा रिवोल्ट 1857 होता है, रेड फोर्ट के ऊपर इनको एकदम किल कर दिया जाता है, डाइड, जहाँ और जो ये बहादुर शाह थे उनको कैप्चर कर लिया जाता है और रंगून में भेज दिया जाता है, जहाँ पे 1862 में इनकी डेथ हो जाती है। तो इन द लीगल टर्म्स मुगल एम्पायर केम टू एन एंड, और यहाँ से डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया आ जाता है, जहाँ से क्वीन रूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम देखें कि क्या क्या कॉज था डिक्लाइन का मुगल एम्परर का, तो क्या ऐसे रीजंस थे जिससे मुगल एम्परर का डिक्लाइन हो गया। वाई द मुगल एम्परर डिक्लाइन हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट अमंग हिस्टोरियंस, स्कॉलरली ओपिनियन कैन बी डिवाइडेड अमंग टू ब्रॉड लाइन्स। टू ब्रॉड लाइन में इनको देखा जाता है, दोज हु व्यू द मैटर इज जनरली एम्पायर रिलेटेड एंड हु इज रिगार्ड एज द रीजन बेस्ड। देखो दो रीजन बताया जाता है, एक तो एम्पायर बेस्ड बताया जाता है, एक रीजन बेस्ड बनाया जाता है। तो सबसे फर्स्ट आता है एम्पायर बेस्ड, और मुगल सेंटर के बारे में अगर हम देखेंगे तो कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन विद इन द स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर में थे, उनकी फंक्शनिंग में थी कैसे। और जो रीज़न बेस्ड था वो था कि मुगल डिक्लाइन इन अ टर्मोइल एंड इंस्टेबिलिटी, देखो दूसरा था रीजन बेस्ड, रीजन बेस्ड किस लिए था, इंस्टेबिलिटी थी, ठीक है, बहुत सारे जो रीजंस थे वहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ गई थी। और एम्पायर में क्यों हो गया था कि उनका स्ट्रक्चरली इतना अच्छे से वो फंक्शन नहीं कर रहे थे, बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड जो है वो चीज़ें हो गई थी, तो स्ट्रक्चर में न होने की वजह से एम्पायर जो है स्ट्रक्चराइज नहीं था। और रीज़न बेस्ड इसलिए क्योंकि हर एक रीज़न में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी कि वहाँ पर कोई होल्ड करने वाला है, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिफाई करने वाला नहीं था, ठीक है। द डिक्लाइन वॉज बोथ टू आस्पेक्ट्स, द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर बिगिन ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब, और जो डिसइंटीग्रेशन था मुगल एम्पायर का वो स्टार्ट होता है जब औरंगजेब, हमने हम पहले भी देख लिया, बट इट पिक्ड अप मोमेंटम ओनली और आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707। At his death, condition were not such that the process of decline could not be checked. Although Mughal authority was challenged by several chiefs and rulers, none could assert independence in the face of imperial might. The Sikh, Marathas, Rajput जो थे did not possess the capacity to overthrow the empire. उनके पास capacity नहीं थी कि वो empire को overthrow कर दे. They merely resisted Mughal power to gain and keep their independence in the respective territories. Thus, if the successor of Aurangzeb had to be capable ruler, the rulers, the empire might not have fallen. Most of the emperors who come after Aurangzeb proved to be incapable थे, वीक थे, लिसेंटियर्स थे, मोनार्क्स थे, हु हैस्टन द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर एंड फाइनली इट्स कोलैप्स। द मेजर फैक्टर विच कंट्रीब्यूटेड द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर क्या था, शिफ्टिंग एलिगेंस ऑफ जमींदारी। इसमें क्या हुआ था कि दो क्लासेस शेयर्ड द पावर ऑफ स्टेट विद द एम्पायर ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, दो जमींदार थे और नोबल्स थे, या तो किंग थे या जमींदार वेल्दी होते थे या नोबल्स वेल्दी होते थे। तो जमींदार वर हेरिडिट्री ओनर्स ऑफ देयर लैंड्स हु एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस ऑन हेरिडिट्री बेसिस एंड वर वेरियसली
और जमींदार को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता था, जैसे कि राइज और राजास, ठाकुर्स, खूट्स, देशमुख्स, ये सब उनको बोला जाता था। दे ऑक्यूपाइड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द एम्पायर बिकॉज दे हेल्प इन कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू एंड इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हु वर दे मेंटेन्ड सोल्जर्स। दो द मुगल्स हैड ट्राइड टू कर्ब द पावर ऑफ जमींदार्स एंड मेंटेन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पीजेंट्स, दे हैड नॉट होली सक्सीडेड। ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब इटसेल्फ देयर वॉज अ मार्क्ड इंक्रीज इन द पावर एंड इन्फ्लुएंस देयर वॉज अ मार्क्ड इंक्रीज इन द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द जमींदार्स। द बिगेस्ट फॉल आउट ऑफ दिस वॉज दैट रीजनल लॉयल्टीज वर इनकरेज्ड, मैनी लोकल लीडर्स हेल्प द नोबिलिटी द अदर पावरफुल प्लस विद द एम्पायर टू टेक एडवांटेज ऑफ वीकनेस ऑफ एम्पायर एंड कार्व आउट द इंडिपेंडेंट किंगडम्स फॉर देमसेल्फ। इस पूरे लेख का ये मतलब है कि जैसे ही एम्पायर वीक हुआ तो उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया, नोबल्स ने और ज़मींदार्स ने। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे ही पहले तो देखो कोई भी अगर कलेक्शन किया है तो उनको पैसे किसको भेजना है, मुगल्स को भेजना है, ऊपर है अथॉरिटी बैठी है उनको पैसे भेजना है। लेकिन वहाँ पे जब एक स्ट्रांग अथॉरिटी नहीं रही तो इन्होंने पैसे भेजने बंद करे, बीच में घूस खानी स्टार्ट कर दी, मन किया वो करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि एम्पायर जो था वो एकदम डिसइंटीग्रेट होने लग गया। दूसरी बार आती है कि जागीरदारी क्राइसिस आ रही थी। जागीरदारी क्राइसिस एक बार हमें बताती हूँ कि जैसे मान लो एक लैंड है और इस लैंड से ना 100 करोड़ रुपए ना हमें आपको लेने हैं आपको, ठीक है। अब इस लैंड को क्या करा, आपने 4 टुकड़े कर दिए और हर टुकड़े से आपने 100 करोड़ मांगे, इसे भी 100 करोड़ मांगे, इसे भी 100 करोड़ मांगे, इसे भी 100 करोड़ मांगे। तो इससे क्या हुआ कि यार लोगों के पास इस एरिया पे इतना ही लैंड ग्रो किया जा सकता ना, इतना ही ग्रो किया जा सकता है, बट आप इस लैंड से 400 करोड़ रुपये मांग रहे हो तो दिस इज़ नॉट फिजिबल। तो यहाँ पे ये क्राइसिस आनी स्टार्ट होगी। तो नोबिलिटी कंप्राइज पीपल हु वर ईदर असाइंड लार्ज जागीर्स एंड मनसब और अपॉइंटेड सूबेदार्स ऑफ मुगल सूबास एंड गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग दीज। दिस क्लास बिलोंग टू मेनी राजपूत रूलर्स, सूबेदार्स, मनसबदार्स। मुगल रूल हैज़ बीन डिफाइंड द रूल ऑफ नोबिलिटी बिकॉज दिस नोबल्स प्लेड अ सेंट्रल रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर। Although Akbar had proved a well-knit organization for them, they were divisive among the nobility on the basis of religion। अब इनको ये divide कैसे किया, किस basis पे, religion के base पे कर दिया, homeland के base पे कर दिया, tribe के base पे कर दिया, and each category formed a different group of its own। Mutual rivalry, jealousy and contest for power among the various group during the rule of later Mughals not only reduced the prestige of emperor but also contributed to decline of, मतलब लोग अपने अपने welfare के लिए काम करने लग गए थे, बहुत ही disintegration आ गया था, जागीरदारी system है, वो हर कोई जागीर बन के खड़ा हो गया था, वो भी बोल रहा था कि मैं religion के नाम पर जागीर हूँ, वो बोल रहा था मैं tribe के, मेरी अलग community है यहाँ पर, मैं जागीर हूँ। तो बहुत ही disintegration चीज़ें जो हैं वो start हो गई थी, और फिर रीजनल एस्पिरेशंस स्टार्ट हो गया था, जैसे जाट है, सिख है, मराठा है, मराठा है तो वो पूरा मुंबई वाला रीजन आज के टाइम का पूरा कैप्चर करके बैठे थे, और बल्कि साउथ पूरा वो कैप्चर करना चाहते थे, तो उनके रीजनल एस्पिरेशंस भी आने लग गए थे। तो औरंगजेब रीन जो थे इटसेल्फ विटनेस्ड रिबेलियंस बाय रीजनल ग्रुप्स जैसे जाट है, सिख है, मराठा है, दे डिफाइड द अथॉरिटी ऑफ मुगल स्टेट इन देयर बिड टू क्रिएट किंगडम ऑफ देयर ओन, अपना खुद का किंगडम बनाना चाहने लग गए वो लोग। दे डिड नॉट सक्सीड इन देयर एफर्ट्स बट दे इन्फ्लुएंस द फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, मतलब वो सक्सेस तो नहीं हुए लेकिन उन्होंने एक इंग्लिश के लिए एक ना क्लियर बैटल ग्राउंड उन्होंने बना दिया कि आओ आराम से राज करो। तो देयर कंटिन्यूस स्ट्रगल अगेंस्ट द एम्पायर फॉर पॉलिटिकल रेसिडेंसी वीकेंड द एम्पायर, और ये लोग एम्पायर से लड़ते लड़ते एम्पायर को वीक कर दिया और इनडायरेक्टली इंडिया को ही इन्होंने वीक कर दिया, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। औरंगजेब एंड आफ्टर हिम बहादुर शाह बाय अटेम्प्टिंग द सप्रेस द राजपूत स्पर्ड देम टू बैटल अगेंस्ट द मुगल्स। द लेटर मुगल्स मेड एन एफर्ट, लेटर मुगल्स जो थे उन्होंने एफर्ट किया टू फॉलो अ पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन विद द राजपूत, बट बाय देन इट वॉज ऑलरेडी टू लेट, द राजपूत नो लॉन्गर ट्रस्टेड द मुगल्स। राजपूत जो थे वो मुगल्स को ट्रस्ट नहीं करते थे और मुगल जो थे राजपूत की मतलब थोड़ा सा उनकी हेल्प लेना चाहते थे तो वो उनको वैसे नहीं दे रहे थे। तो इन अलाय विद देम टू फॉलो द वेलफेयर ऑफ एम्पायर, और मराठा जो थे टू वर बिकमिंग अ फॉर्मिडाइल एनिमी ऑफ द मुगल एम्परर। देयर वॉज देयर एम वॉज एट फर्स्ट लिमिटेड ओनली टू रिगेनिंग कंट्रोल ओवर द रीजन ऑफ महाराष्ट्र, बट इट सून वेंट टू इंक्लूड गेटिंग लीगल सेंक्शन फ्रॉम द मुगल एम्परर फॉर कलेक्टिंग चौथ एंड सर देशमुखी
फ्रॉम थ्रू आउट इंडिया। और मराठास का क्या ऑब्जेक्टिव था, उनका यही नहीं था कि महाराष्ट्र रीजन में ही हम रूल करें, उनका यह था कि हमें पूरे देश के जो सर देशमुखी और चौथ जो होते हैं, एक तरह से टैक्स कलेक्टिंग दोनों प्रैक्टिसेस होती है, चौथ के अंदर शायद 1/4 जो होता है वो मराठास रखेंगे और सर देशमुखी में 1/10 होता है वो रखने के लिए बात की जाती है। तो ये बोलते हैं कि हम ही सब कलेक्ट कर ले, दे फॉर्ज नॉर्थवर्ड्स एंड बाय 1740 सक्सीडेड इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस, और ये सक्सेसफुल भी हुए, काफ़ी इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बनाया गुजरात के तरफ, मालवा के तरफ, बुंदेलखंड के तरफ। तो राजपूत स्ट्रगल अगेंस्ट द एम्पायर एंड द ग्रोइंग एम्बिशन एंड ग्रोइंग ऑफ द मराठास दस एडवर्सली अफेक्टेड द मुगल माइट। इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स क्या थी, तो नंबर ऑफ अमीर्स एंड देयर रैंक्स एंड मनसब हैज इंक्रीज्ड। मैंने बोला ना कि जैसे लैंड्स को इंक्रीज कर दिया गया, लैंड को बहुत टुकड़ों में बांट दिया गया, तो हर टुकड़े के अंदर अलग अलग अमीर्स बनाए गए, अलग अलग उनकी रैंक्स क्रिएट की गई। तो ये सब बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि चीज़ें और भी आउट ऑफ कंट्रोल होती चली गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ जागीर्स और बेजागिरी बाय शोइंग एनहांस्ड इनकम फ्रॉम द जागीर्स ऑन रिकॉर्ड, बट दिस वाज अ शॉर्ट साइड मेजर एज द अमीर ट्राई टू रिकवर द रिकॉर्डेड इनकम फ्रॉम देयर जागीर बाय प्रेशरिंग द पेजेंट्री। अब औरंगजेब क्या करता था कि भाई उनको दिखानी है कि जागीर्स की शॉर्टेज है, तो लेकिन वो क्या करते थे, मतलब दिखाते ना ओवर, आप कोई भी बैलेंस शीट को बना के दिखा देते हो कि हमने तो इतना कमाया। तो वही चीज़ ये कर रहा था कि दिखा देता था कि भाई हमने तो बहुत सारी जागीर कलेक्ट करी, बट ये लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि रियलिटी तो रियलिटी होती है ना, तो इससे काफ़ी लॉन्ग टाइम इनको सर्वाइव नहीं कर पाए। सो बोथ द अमीर एंड पेजेंट्री वर एंटेगोनिस्ट, देन देयर वर द वॉर्स, कंटिन्यूस वॉर्स होती रही, तो वॉर्स के लिए भी पैसा चाहिए, लग्जीरियस लाइफ्स थी एम्परर्स की, तो इससे क्या हुआ कि पैसा जो है वो ख़त्म होता गया, ठीक है। एंड रिडक्शन इन खलीसा लैंड ऑफ विच बर्डर्ड द स्टेट, द रिजल्टेड वॉज दैट एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट मच एक्सीडेड, मतलब वही है कि डेफिसिट हो गया, हम बोलते हैं ना बजट डेफिसिट हो गया, तो वही यहाँ पे क्या हो गया, बजट डेफिसिट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि लग्जीरियस इतनी लाइफ है, जागीर आ नहीं रही है, और ऊपर से आप वॉर्स कर रहे हो, तो पैसा जा ही जा रहा है, आग कम रहा है। देर वॉज मोर ओवर नो सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कुछ थी नहीं वहाँ पे, दैट कुड हैव इम्प्रूव्ड अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो द वन फ्लरिशिंग ट्रेड डिड नॉट एनरिच द एम्पायर कोफर्स इवन एज द इनरोड्स बाई यूरोपियन ट्रेडर्स ग्रू अलॉन्ग कोस्टल इंडिया। दीज इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ओनली मल्टीप्लाइड फॉलोइंग द डेथ ऑफ औरंगजेब, और जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई तो ये सारी प्रॉब्लम बल्कि कम होने की वजह डबल हो गई, मल्टीप्लाइड हो गई। द एम्पायर हैड बिकम टू वास्ट एंड एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेटेड बाई सेंट्रलाइज सिस्टम व्हेन द रूलर्स आर वीक एंड इनकॉम्पिटेंट, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे रीजनल स्टेट्स का जो है वो राइज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स में सबसे पहले हम कैटेगरीज में डिपेंड कर, जो हमारे रीजनल स्टेट है उनको हम कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे कि क्या सक्सेसर है, क्या इंडिपेंडेंट है, क्या न्यू स्टेट्स है। तो सक्सेसर स्टेट्स वो स्टेट्स को बोला गया जो कि मतलब सोवरेनिटी तो मुगल की इतनी वो चैलेंज नहीं करते थे, बट जो अलग से अपना खुद का एक नया उन्होंने सिस्टम बनाया, जैसे अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है, जैसे बंगाल में हम देखेंगे सूबेदार और बंगाल होते थे, तो ऐसे उनका अलग ही सिस्टम उनका चलता था, तो वो अपने आप को अलग ही चीज़ें बना रहे थे उनका। और फिर इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन गया है जिनको मुगल से कोई मतलब ही नहीं था, जैसे कि अपने मैसूर हो गए, राजपूत वगैरह बोलते ना, राजपूत पे मुगलों ने कभी राजपूतों में राज नहीं करा, और मैसूर के अंदर भी अगर यहाँ पे लड़ाई भी हुई ब्रिटिशर्स की, तो क्या होता है कि मैसूर के अंदर भी वोदिया डायनेस्टी को फिर से वो इस्टेब्लिश करके चले जाते हैं। तो ऐसा करके ये इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन गए। और न्यू स्टेट्स जैसे कि जो रिबेलियस स्टेट भी जिनको बोलेंगे, जैसे मराठा, सिख, जाट, तो ये रिबेलियस स्टेट भी थे और नए स्टेट भी थे, ऐसे बोलते हैं ना, नई जनरेशन है, रिबेलियस है, वैसे ही न्यू स्टेट जो उभर के आए वो भी रिबेलियस स्टेट जैसे मराठा से किया है। फिर हम सर्वे करते हैं रीजनल किंगडम का, जैसे हैदराबाद की हम बात करते हैं, उसके फाउंडर कौन थे, असफ जहाँ उसके जो फाउंडर थे, और ये चाहते थे कि पूरे डक्कन में इनका कंट्रोल हो, बट होता नहीं है, क्योंकि जो मुगल एम्परर होते हैं वो पूरे डेक्कन का जो वाइसरॉय है किसको डिक्लेयर करते हैं, मुबारिस खान को। तो मुबारिस खान से जो असफजा या निज़ाम उल मुल्क है वो काफ़ी मतलब उनसे उनको चाहते नहीं थे और उनको किल करना चाहते थे जिससे पूरे डेक्कन पे वो राज कर सके। तो बैटल है शाखिर खेड़ा में इन्होंने मुबारिस खान को उनको किल कर दिया। फिर द नेक्स्ट हमारे रीजनल स्टेट में आएंगे अवध,
अवध जो है उन वो इनके फाउंडर है शहादत खान है, सादत खान जिसको बेसिकली बुरहन उल मुल्क भी समझा जाता है। और सादत खान एक शिया है, शिया सुन्नी को आप जानते हैं, शिया जो है वो कम वाले हैं और सुन्नी जो है सबसे ज़्यादा वाले हैं। तो शहादत खान को और इन्होंने सादत खान ने क्या किया था कि अपने आप को सुसाइड कर ली थी, क्योंकि नादिर शाह जब कॉन्क्वेस्ट करने आए थे तो वह बहुत ज़्यादा पैसा मांगते थे कि पैसा दो पैसा दो। तो इस चक्कर में सादत खान ने क्या कर लिया, अपने आप की सुसाइड कर लिया। नेक्स्ट हम बंगाल की बात करते हैं। मुर्शिद कुली खान जो थे वो फाउंडर थे इसके बंगाल के, ही वॉज कैपेबल रूलर, बहुत ही कैपेबल रूलर थे और बंगाल ने उन्होंने बहुत ही प्रॉस्परस स्टेट उन्होंने बनाया। ही वॉज सक्सीडेड इन 17, उनके नेक्स्ट कौन था, शुजाउद्दीन थे और उसके सक्सेसर थे सरफराज खान थे, जिसको किल कर दिया गया अलीवर्दी खान ने 1740 के अंदर। तो डिप्यूटी ऑफ बिहार एट जो कि अलीवर्दी खान कौन था, बिहार का डिप्यूटी गवर्नर था, हु अज्यूम पावर एंड मेड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ मुगल एम्प्रायर बाय गिविंग ईयरली ट्रिब्यूट, सालाना कुछ ना कुछ पैसा पे कर देते थे और मुगल एम्प्रायर से उन्होंने इंडिपेंडेंस ले ली थी कि आप बंगाल में इंटरफेयर मत करिएगा, ठीक है। और अब राजपूत की बात करते हैं, उन्होंने री एस्टैब्लिश करी अपनी इंडिपेंडेंस 18वीं सेंचुरी के अंदर और फोर्स्ड मुगल एम्प्रायर बहादुर शाह वन टू मार्च अगेंस्ट अजीत सिंह, हु वॉज फॉर्म्ड एन अलायंस विद जय सिंह सेकेंड एंड दुर्गादास राठौर, बट द अलायंस वॉज ब्रोकन एंड द सिचुएशन वॉज सेव फॉर द मुगल्स। एट वन टाइम द मुगल कंट्रोल द एंटायर टेरिटरी एक्सेडिंग फ्रॉम साउथ ऑफ दिल्ली अप टू द वेस्टर्न कोस्ट। मैसूर की अगर हम बात करेंगे, हैदर अली और टीपू सुल्तान की है, फिर बाद में रूल किया जाता है वोदिया डायनेस्टी के द्वारा। ये सारी चीज़ें मैसूर को, राजपूत को, इनको हम बहुत एक्सट्रीमली नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। केरला में मार्तंडा वर्मा जो थे उन्होंने केरला को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, ट्रावनकोर इसकी कैपिटल हुआ करती थी। ही एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट फ्रॉम कन्याकुमारी टू कोचीन, और इसकी जो एक्सटेंशन थी कन्याकुमारी से कोचीन थी। ही मेड एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइज हिज आर्मी अलॉन्ग विद वेस्टर्न मॉडल एंड प्रॉपर एंड अडॉप्टेड वेरियस मेजर टू डेवलप हिज स्टेट। द जाट एग्रीकल्चरल जाट सेटल लिविंग अराउंड दिल्ली, जाट्स जो थे दिल्ली के आसपास, मथुरा के आसपास और आगरा के आसपास रहते थे और रिवोल्ट करते थे औरंगजेब के खिलाफ, उनकी जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थी उसके खिलाफ वो लोग रिवोल्ट करते रहते थे। द फर्स्ट मेजर रिबेलियन बाय द जाट अगेंस्ट मुगल एम्प्रायर फोर्सेज अकर्ड इन मथुरा डिस्ट्रिक्ट इन 1669। इट वॉज लेड बाय गोकुला, एक इंसान है जो कि इसको लेड करता है। इट वॉज नॉट सक्सेसफुल आफ्टर सम इनिशियल सेटबैक्स। चूरामन एंड बदन सिंह, चूरामन और बदन सिंह जो थे सक्सीडेड इन गेटिंग अप द जाट्स किंगडम ऑफ भरतपुर इन 18th century, बट इट वॉज अंडर सूरजमल, बट किसके अंदर थी, सूरजमल के अंदर। इन द जाट पावर रीच एंड सूरजमल के अंदर जो जाट पावर थी बहुत ही एक्सट्रीम पर पहुंची। ही नॉट ओनली प्रोवाइडेड एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑल्सो ग्रेटली एक्सटेंडेड द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। हिज स्टेट इंक्लूडेड टेरिटरीज फ्रॉम गंगा इन द ईस्ट एंड चंबल इन द साउथ। इतना बड़ा इनका जो वर्चस्व था, इतना बड़ा वर्चस्व था इनका, ठीक है। ही स्टेट इंक्लूड टेरिटरीज विद गंगा एंड चंबल इन द साउथ एंड इंक्लूडिंग द सूबाज ऑफ आगरा, मथुरा, मेरठ एंड अलीगढ़। हाउ एवर द जाट्स स्टेट सफर्ड अ डिक्लाइन आफ्टर द, जैसे सूरजमल की डेथ होती है इनकी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है जाट का। देयर आफ्टर द स्टेट स्प्लिट इंटू स्मॉलर एरिया कंट्रोल्ड बाय प्लेंटी जमींदार्स, और फिर डिसइंटीग्रेट हुआ, जिसको हर एरिया को अलग अलग जगह पर अलग अलग जमींदार फिर कंट्रोल करने लग गए। अब सिख की बात करते हैं, तो 1675 में औरंगजेब को अरेस्ट कर लिया एंड एग्जीक्यूट कर दिया था 9 सिख गुरु को, गुरु तेज बहादुर, ठीक है। गुरु तेज बहादुर को औरंगजेब ने मारा, हु हैड रिफ्यूज्ड द एम्ब्रेस इस्लाम, जो कि इस्लाम को धर्म कबूल करने के लिए मना कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू सिख ट्रेडिशन द गुरु हैड सपोज द राइट ऑफ कश्मीरी पंडित एंड प्रोटेक्टेड दैम अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन बाय द मुगल्स। गुरु गोविंद सिंह हु सक्सीडेड गुरु तेज बहादुर ओपनली रिबेल्ड अगेंस्ट, फिर गुरु तेज बहादुर के बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह आते हैं जो कि औरंगजेब के खिलाफ रिबेल करते हैं। ही ट्रांसफॉर्म द सिख इंटू अ मिलिटेंट सेक्ट, उन्होंने सिखों को एक मिलिटेंट सेक्ट बनाया, किसने, गुरु गोविंद सिंह ने, इन डिफेंस ऑफ द रिलीजन एंड लिबर्टीज़। बंदा बहादुर जो था हु लेटर अज्यूम्ड लीडरशिप ऑफ सिख इन 1704 वाज डिफीटेड एंड किल्ड। कौन किल करता है, बंदा बहादुर को हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था, बहादुर शाह बनते उन्होंने इनको किल कर दिया था, ठीक है, 1708 में।
इन द वेक ऑफ इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली सिख वंस अगेन स्टार्टेड देयर अथॉरिटी एट दिस स्टेज दे ऑर्गेनाइज उन्होंने अपने आप को 12 मिसल्स में और कॉन्फेडरेसीज में उन्होंने अपने आप को बदला विच एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किंगडम द क्रेडिट फॉर एस्टैब्लिशिंग जो स्ट्रॉन्ग किंगडम जो पंजाब के अंदर बनाया किसने बनाया रणजीत सिंह जी ने बनाया और वो कौन सी 12 मिसल्स में से शुक्र चकिया मिसल है उससे बिलोंग करते थे रणजीत सिंह जो है ब्रॉट अंडर कंट्रोल द एरिया एक्सटैंडिंग फ्रॉम सतलज टू द झेलम उन्होंने लाहौर को कंकर्ड किया 1799 में और अजमेर को कंकर्ड किया 1802 में बाय द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद द ब्रिटिश रणजीत सिंह जो है एक्नॉलेज द ब्रिटिश राइट ओवर द सिस सतलज टेरिटरीज और रणजीत सिंह प्रूव टू बी एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर ही ग्रेटली मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियंस बट टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ रीन द इंग्लिश फोर्स्ड हिम टू साइन अ ट्रीपार्टाइट एक तो ट्रीपार्टाइट से ट्रीटी है वो साइन करते हैं रणजीत सिंह और एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो साइन करते हैं ट्रीपार्टाइट ट्रीटी किसके बीच में होती है सार सूजा के बीच में ब्रिटिश के अंदर और रंजीत सिंह के अंदर कि उनको सार शुजा जो है उनको अफगानिस्तान के गद्दी पे बिठाना है प्रोवाइड द इंग्लिश ट्रूप थ्रू पंजाब विद अ व्यू टू रिप्लेस शाहजहां ऑन द थ्रोन ऑफ काबुल रंजीत सिंह जो है उनकी मृत्यु हो जाती 1839 में उनके सक्सेसर जो थे वो इतने अच्छे थे नहीं कि वो स्टेट को मेंटेन कर पाए तो फर्स्ट जो हमारी एंग्लो सिख वॉर होंगी उनके अंदर जो है दो एंग्लो सिख वॉर की वजह से जो ब्रिटिश है वो पंजाब के अंदर भी अपने डोमिनेंस बना लेंगे अब बात करते हैं मराठास की ठीक है मराठास के अंदर क्या था तो मोस्ट फर्मेडाइल प्रोविंस टू इमर्ज वॉज दैट ऑफ मराठास अंडर द कैपेबल लीडरशिप ऑफ पेशवास तो मराठास जो थे अपरूटेड द बंगाल अथॉरिटी फ्रॉम मालवा रीजन से गुजरात रीजन से तो इन सब पे जो मुगल अथॉरिटी थी यहाँ से उनको फ्री कर दिया और अपनी अथॉरिटी वहाँ पे एस्टैब्लिश करी एट वन टाइम दे क्लेम द राइट टू बी चीफ इनहेरिटर्स ऑफ मुगल डोमिनियन ठीक है अपने आप को चीफ इनहेरिटर्स बताने लग गए मुगल के तो देयर अथॉरिटी जो है वो किसने चैलेंज की अहमद शाह अब्दाली ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर तो मराठास क्विकली रिकवर्ड फ्रॉम द डिफीट एंड ऑफर्ड द मोस्ट फॉर्मेडल चैलेंज टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन द स्ट्रगल ऑफ पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया अब आते हैं रोहिलाखंड एंड फरुखाबाद तो स्टेट ऑफ रोहिलाखंड और किंगडम ऑफ मंगेश पठान्स वर फॉल आउट ऑफ अफगान माइग्रेशन इनटू इंडिया लार्ज स्केल इमाइग्रेशन जो थे अफगान का इंडिया के अंदर टुक प्लेस इन मिड 18th सेंचुरी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्मोइल इन अफगानिस्तान तो अली मोहम्मद खान जो थे उन्होंने एडवांटेज लिया इसका नॉर्थ इंडिया के कोलैप्स का फॉलोइंग द नादिर शाह इन्वेजन टू सेट अप अ पेटी किंगडम उन्हें छोटा सा किंगडम बना लिया अपना रोहिलाखंड दिस वॉज द एरिया ऑफ द फुटबिल्स बिटवीन कुमाऊं इन द नॉर्थ एंड गंगा इन द साउथ रोहिलाज एज द इनहेबिटेंट्स ऑफ रोहिलाखंड वर नोन सफर्ड हैवीली एट द हैंड्स ऑफ अदर पावर्स इन द और बार बार इनके अटैक्स होते रहते जाट उन पर अटैक कर देते थे अवध रूलर्स इन पर अटैक कर देते थे मराठास जो है और ब्रिटिश है ये इन पर अटैक कर देते और मोहम्मद खान बंगेश जो थे एक अफगान थे उन्होंने अब बंगेश जी ने कौन सा फरुखाबाद जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया अपना जो भी किंगडम है वो फरुखाबाद के आसपास उन्होंने स्टार्ट किया और ये किसके रीन में स्टार्ट हुआ फरुख शियर के अंदर और मोहम्मद शाह रंगीला जो थे उनके अंडर ये स्टार्ट होता है अब नेचर एंड लिमिटेशंस क्या थी इनकी लिमिटेशंस क्या थी रीजनल स्टेट्स की द इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्टेट दैट एमर्ज इन द प्रोविंस कंटिन्यू टू मेंटेन टाइज विद मुगल इंपीरियल अथॉरिटी जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम भी थे उन्होंने भी अपने टाइज जो है वो बना के रखे मुगल से इम्पॉर्टेंस एज अम्ब्रेला इवन रिबल चीफ जो थे जैसे मराठा सिख रिकोगनाइज वो भी मुगल एम्परर को सुपीरियर ही मानते थे पॉलिटी डेट इमर्ज इन दिस स्टेट वर रीजनल इन कैरेक्टर एंड फंक्शनल विद द कोलैबोरेटिव सपोर्ट ऑफ डिफरेंट लोकल लाइक द जमींदार्स मर्चेंट्स लोकल नोबल्स एंड चीफटेंस The provincial rulers had to take care of various local interests in order to maintain themselves. Of course, there were expectations. For instance, in Mysore, ruler did not recognize the local chieftains. The regional state had certain limitations. The provincial rulers, jo the, failed to develop a system based on sound financial, administrative, and military organization. Though some of them tried to modernize, notably Mysore, on the whole, they
वर बैकवर्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अनदर ड्रॉबैक फॉर, मतलब उनको कोई डेवलपमेंट उनके अंदर नहीं होती ना टेक्निकल ना कुछ और, क्योंकि बस पैसा और इतना कुछ होता नहीं था। एंड द ड्रॉबैक वॉज द कॉन्स्टेंट वॉरफेयर दी स्टेट विद द नेबरिंग रीजनल पावर्स वॉर्स इन विच नन कुड अल्टीमेटली डोमिनेट। इन फैक्ट दी स्टेट्स वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू चैलेंज मुगल पावर बट नन वॉज एबल टू रिप्लेस इट विद अ स्टेबल पॉलिटी। तो जागीरदारी क्राइसिस थी वहाँ पे, आपस में लड़ते रहते थे, इसकी वजह से ये सब इनको और वीक बना रहा था। अब सोशो इकोनॉमिक वहाँ पे कंडीशंस क्या थी, तो 18वीं सेंचुरी के अंदर फेल टू मेक प्रोग्रेस इकोनॉमिकली सोशली कल्चरली एट एन एडुकेट पेस, क्योंकि जब आपका एम्पायर ही मतलब पॉलिटिकली आप अनस्टेबल हो तो आप क्या ही कुछ कल्चरली डेवलप करोगे, क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करोगे। और इससे क्या हो रहा था, पॉवर्टी भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही थी, मतलब इनइक्वालिटी काफ़ी क्रिएट हो रही थी एक तरह, तो बहुत ही लग्जरी एक साइड बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी है। द कॉमन पॉपुलेशन रिमेंड इन पॉवरिश बैकवर्ड एंड ऑपरेस्ड एंड लिव्ड इन द बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, रिच एंड पावरफुल एंजॉय अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड लैविशनेस, बट इट वॉज नोट वर्थ नोटिंग दैट द लाइफ ऑफ इंडियन मासेस वॉज बाय एंड लार्ज बेटर इन द 18th सेंचुरी दैन इन वॉज आफ्टर, मतलब उस टाइम फिर भी ठीक थी एज़ कम्पेयर टू 200 साल बाद जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे उसके बाद जैसी होने वाली थी। एग्रीकल्चर में बात करेंगे तो बहुत ही टेक्निकली बैकवर्ड था, कुछ वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था लेबर्स, इवन दो द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सपोर्टेड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, अ प्रेजेंट ऑन रिवार्ड वाज मिजरेबली इनएडिक्वेट, देयर वर फोर्स टू पे एक्सऑर्बिटेंट अमाउंट टू द स्टेट, जमींदार्स को और जागीरस को एक्स्ट्रा पे करते थे। ट्रेड और इंडस्ट्री की बात करें, हम सेल्फ सफिशिएंट थे हैंडीक्राफ्ट्स और एग्रीकल्चर, इंडिया डिड नॉट इम्पोर्ट, हम लोग इम्पोर्ट नहीं करते थे फॉरेन गुड्स को। और ऑन द अदर हैंड इट्स इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वर इन गुड डिमांड इन फॉरेन मार्केट्स, हेंस इट्स एक्सपोर्ट्स जो थे, हमारे एक्सपोर्ट्स जो थे वो ज़्यादा थे, ट्रेड जो था वो बैलेंस था। और क्योंकि हम लोग सिल्वर और गोल्ड इतना वहाँ से मंगवाते रहते थे, तो इंडिया को बोला जाता था कि ये प्रीशियस मेटल का सिंकर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सब मेटल्स आते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे आइटम्स है कि क्या हम इम्पोर्ट करते थे पर्शियन गल्फ से, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको याद करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि पर्शियन गल्फ से कौन कौन सी चीज़ें आती थी। वहाँ से सिल्क आता था, रॉ सिल्क वुल आता था, ड्राई फ्रूट्स आते थे, रॉज वाटर आते थे, ये सब आता था। अरेबिया से अगर हम बात करें वहाँ से क्या आ रहा था, गोल्ड आ रहा था, ड्रग्स, हनी, कॉफ़ी। चाइना से क्या क्या आई थी, टी, सिल्क, शुगर, चीनी, ऐसे याद कर लो, चाइना के लोग चीनी चीनी कहते हैं ना, चीनी, इसलिए उन्होंने नाम चाइना रख लिया। पर कोलियंस, तिब्बत से क्या आता था, गोल्ड, मस्क एंड वुलन क्लोथ आते थे। अफ्रीका से आज के टाइम पे भी आइवरीज, ड्रग्स ये आते हैं। यूरोप वुलन क्लोथ, यहाँ से वुलन क्लोथ आता था, कॉपर, क्योंकि वहाँ पे जो फर वाले जानवर होते हैं ना उनसे वो लिया जाता है, कॉपर, आयरन, लेड, कॉपर सॉरी पेपर। और हम एक्सपोर्ट क्या करते थे, कॉटन टेक्सटाइल्स, रॉ सिल्क, सिल्क फैब्रिक्स, इंडिको, सॉल्टर, ओपियम, ये सब किसने दिया, हमने याद है ना कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया, ओपियम इंडिको किसने इंट्रोड्यूस किया, सेकेंड कौन आया था, डच आया था ना, डच ने ये सब इंट्रोड्यूस किया है, शुगर, पेपर, अदर स्पीशीज। और ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे फर्स्ट पोर्टुगीज आए थे, उन्होंने इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस किया था। इम्पॉर्टेंट हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उभर कर आई, जैसे डेक्का में, मुर्शिदाबाद में, पटना में, सूरत में, अहमदाबाद में, भरूच में, चंदेरी, इनको याद कर लीजिएगा, इनको थोड़ा सा कहीं से भी करके निमोनिक्स बना के कर लेना, या मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इनका निमोनिक्स बना के यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड कर दूँगी। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ उभर के आई, शिप बिल्डिंग कहाँ पे उभरेगी, जहाँ पे कोस्ट है, महाराष्ट्र हो गया, आंध्रा रीजन हो गया, बंगाल हो गया, तो ये सारी रीजन उभर उभर के आएंगी, ठीक है। अब एजुकेशन का स्टेटस अगर हम बात करें तो कैसा था, तो एजुकेशन इम्पार्टेड इन 18th सेंचुरी इंडिया वाज स्टिल ट्रेडिशनल विच कुड नॉट मैच विद द रैपिड डेवलपमेंट्स इन द वेस्ट के मुकाबले, तो अच्छा नहीं था लेकिन ठीक था, मतलब और ट्रेडिशनल था, पुराने जैसे हमारे मठ वठ होते थे यही टाइप के वहाँ पे एजुकेशन हमारे देखने को मिलता था। तो नॉलेज जो थी वो किस तक कन्फाइंड थी, लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, फिलोसफी, लॉजिक्स, इन सब पे थी।
इनमें ये साइंस की स्टडी, ज्योग्राफी की स्टडी, ये सब चीज़ें उस वक्त नहीं हो रही थी। इनफैक्ट ड्यू टू द ओवर रिलायंस बेस्ड ऑन एंशियंट लिन, और हम यहाँ पे हमेशा से इतिहास को पढ़ने में बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं, एंशियंट को लड़ने पढ़ने में हम लोग फोकस रखते थे। एलिमेंट्री एजुकेशन अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम जो थे वो बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी। हिंदू जो थे और मुस्लिम जो थे वो अपने एलिमेंट्री स्कूल को जाते थे, जैसे कि अगर हिंदू की बात करेंगे तो पाठशालाज में, वहीं मुस्लिम की अगर हम बात करेंगे तो मकतब्स हैं वहाँ पे वो लोग जाते थे। एजुकेशन जो थी कन्फाइंड थी रीडिंग पे, राइटिंग पे, अर्थमेटिक पे। चिल्ड्रन जो थे लोअर कास्ट के वो बिल्कुल ही बहुत ही कम ही अटेंड करते थे स्कूल को, बट फीमेल प्रेजेंस भी बहुत ही रेयर होती थी। और चतुष्पथीज और टोल्स जो होते थे वर ऑल्सो कॉल्ड इन बिहार एंड बंगाल विद द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। ये एग्जाम्पल आ सकता है कि ये जो नाम है ये किस लिए दिए जाते हैं, तो ये सेंटर्स हैं हायर एजुकेशन के जो कि बिहार में और बंगाल में बोला जाता है। सम ऑफ द फेमस सेंटर फॉर संस्कृत एजुकेशन, जैसे कि संस्कृत कहाँ, काशी में, तिरहुत में, नादिया में, उत्कला में, यहाँ पे संस्कृत एजुकेशन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। मद्रासा जो आज के टाइम पे भी एजुकेशन स्कूल्स माने जाते हैं मुस्लिम्स में, तो वो हुआ करते थे पर्शियन और अरेबिक सिखाने के लिए, पर्शियन बीइंग द कोर्ट लैंग्वेज एंड लर्न्ड बाय द मुस्लिम एज वेल एज द हिंदूज। पटना वॉज अ फेमस सेंटर फॉर पर्शियन एजुकेशन। पीपल इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कुरान एंड मुस्लिम थियोलॉजी हैज़ रिक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी इन अरेबिक। सेटअप्स अगर हम बात करेंगे तो कैसा था, सोसाइटी जो थी वो ट्रेडिशनल थी और बहुत ही स्टैग्नेंट थी, चेंज नहीं इतने हो रहे थे। दो वज एग्जिस्टेड अ सर्टेन डिग्री ऑफ ब्रॉड कल्चरल यूनिटी, बहुत ही कल्चरल यूनिटी इतनी हम देखेंगे कि एग्जिस्ट करती थी। पीपल वर डिवाइडेड बाय, मतलब नहीं थी, और लोग कैसे डिवाइडेड थे, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के बेस पे, रीजन के बेस पे, ट्राइब के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे लोग बटे हुए थे। और जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, ठीक है। और फोर वर्नाज में हिंदू वर डिवाइडेड इनटू न्यूमरियस सब कास्ट में भी डिवाइडेड थे। हिंदूज जो थे वो पहले तो वर्नाज में डिवाइडेड थे और सब कास्ट में भी डिवाइडेड थे, ठीक है। कास्ट काउंसिल एंड पंचायत एनफोर्स कास्ट नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस। तो इवन इस्लाम एंजॉयड सोशल इक्वालिटी ऑन द मुस्लिम्स एंड टू वर डिवाइडेड बाई कंसिडरेशन ऑफ कास्ट रेस। और शिया सुन्नी है मुस्लिम में देखा गया, ईरानी अफगानी तुरानी शरीफ मुस्लिम्स, हायर लोअर क्लास, ठीक है। और विमेन की कैसी पोजीशन थी सोसाइटी के अंदर, तो विमेन्स जो थी लोअर क्लास विमेन जो थी वो वर्क करती थी फील्ड में, और वहीं अपर क्लास जो है वो पर्दा में रहती थी और इन सब में रहती थी। और बहुत ही सोशल कस्टम थे जैसे कि पर्दा, सती, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, वो वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। एबल और डॉरी वॉज स्पेशली वाइड स्प्रेड बंगाल और राजपुताना रीजन के अंदर, दहेज देना बहुत ही बड़ी वाइड स्प्रेड था। सेंसिटिव इंडियंस वर ऑफन टच बाय हार्ड एंड हार्श लाइफ ऑफ द वीडोज। राजस्वाय जयसिंह जो अमेर के थे और मराठा जनरल परशुराम बाऊ जो थे उन्होंने कुछ प्रमोट भी किया कि वीडो रीमैरिज के लिए, बट वो फेल्ड रहे। वहीं स्लेवरी की अगर हम बात करते हैं 17वीं सदी में तो बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी। इट वॉज बिलीव दैट सम पीपल वर्ड कंपेल्ड टू सेल देयर ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू इकोनॉमिक, जैसे अगर किसी पास पैसा नहीं है तो अपने बच्चों को बेच देते थे, ठीक है। जनरली हायर क्लास ऑफ राजपूत जो थे कैप्ट वीमेन स्लेव फॉर डोमेस्टिक वर्क, और ये लोग अपने क्यास्ट खत्रीज ये लोग डोमेस्टिक स्लेव्स रखते थे। हाउ एवर स्टेटस ऑफ स्लेव इन इंडिया वॉज बेटर देन दैट इन यूरोप, यहाँ पर स्टेटस जो था स्लेव का इतना अच्छा था जितना कि यूरोप में नहीं था। स्लेव्स वर यूजली ट्रीटेड एज हेरिडिटरी सर्वेंट्स रादर देन मीनियल्स। मैरिज टुक प्लेस अमंग द स्लेव एंड ऑफस्प्रिंग कमिंग आउट ऑफ देयर वेडलॉक वर वाइड स्प्रेड फ्री सिटीजन। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हाईलाइटेड द स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड इन इंडिया। यूरोपियन ट्रेडिंग जो कंपनीज थी वो परचेज करती थी स्लेव्स को और बेच देती थी मार्केट्स में, तो ऐसे स्लेवरी चलती थी। डेवलपमेंट अगर हम देखें आर्ट एंड कल्चर के अंदर, तो डिक्लाइन ऑफ इम्पीरियल मुगल फोर्स टैलेंटेड पीपल टू सीक द पैट्रोनेज ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड ट्रेड कोर्ट्स लाइक मुर्शिदाबाद। लखनऊ के अंदर असफ़ुद्दौला जो है उन्होंने बिल्ड किया 12 इमामबरा इन 1784 में, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th century। और स्वाय जयसिंह जी ने जयपुर सिटी बनाई और 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई, कहाँ कहाँ पर, जयपुर में, दिल्ली में, बनारस में, मथुरा में और उज्जैन में। ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ सेट ऑफ टाइम टेबल कॉल्ड जिज मोहम्मद शाही, उन्होंने टाइम टेबल्स भी बनाए टू कीप द हेल्प द पीपल टू स्टडी एस्ट्रोनॉमी,
एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़ा नाम दिया जाता है स्वाई जयसिंह का, टू हेल्प द पीपल स्टडी एस्ट्रोनॉमी इन द साउथ केरला के अंदर। पद्मनाभापुरम पैलेस फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर और मुराल पेंटिंग्स के लिए फेमस है। न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो वहाँ पे बॉर्न हुआ, ठीक है। द पेंटिंग ऑफ राजपूताना और कंगरा स्कूल जो है वहाँ पे प्रोमिनेंस मिली इनको। डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ लिटरेरी लाइफ ऑफ 18th सेंचुरी वाज द ग्रोथ ऑफ उर्दू लैंग्वेज, वहाँ पे बढ़ रहे थे उर्दू पोइट जैसे कि मीर सौदा, नज़ीर, मिर्ज़ा गालिब, ये सब उभर के आए। साउथ इंडिया में मलयालम लिटरेचर है वो फ्लरिश किया, और कला कथू कुंचन लम एक नोटेड मलयालम पोइट भी है। तमिल लैंग्वेज जो है वो भी एनरिच की गई सितार पोइट्री के साथ में। तो ये कुछ कुछ हमारे डेवलपमेंट्स थे। तो एक बार हम जल्दी से ब्रीफ हम एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। चैप्टर हमारा फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर फोर्थ में हमने सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड देखा कि जैसे ही डिक्लाइन हो रहा था तो बाहर से हमारा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वो वीक हो रहा था, तो कैसे कैसे एक्सटर्नल चैलेंजेस आए कि नादिर शाह है वो पहले आते हैं, फिर अहमद शाह अब्दाली हैं वो आते हैं, वो यहाँ पे अटैक करके जाते हैं थर्ड बैटल में, मराठास को क्रश कर देते हैं। फिर बाद में हमारे रूलर्स आते हैं जो कि वीक होते हैं, जिसके बाद में फरूख शर्फ और ये मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह बहादुर, दो इनमें नोटेबल हम नाम याद रखेंगे, आलमगीर सेकंड जिनके टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी हुई, और शाह आलम सेकंड जिनके टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सर हुआ है। अब हम ये देखते थे कि भाई क्यों ऐसा था कि मुग़ल एम्पायर जो है वो डाउन होता गया, उसके रीजंस बताए गए, दो रीजंस मेनली यहाँ पे रीजंस को बताए गए, एम्पायर रिलेटेड और रीजन रिलेटेड। एम्पायर जो था स्ट्रक्चरली वीक हो रहा था, और रीजन वाइज लोग चीज़ डिसइंटीग्रेट हो रहे थे, और भी रीज़न था, अलायंस ज़मींदार ही जो है वो हर कोई ज़मींदार बनना लग रहा था, जागीरदारी क्राइसिस की, एक ही लैंड के ऊपर सब जागीर बनने के लिए खड़े हो गए थे, तो कितना इतना कैसे करेंगे। राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशन, सबके अपने अपने जैसे कि राजपूत से अलग हो गए, मैसूर में अपने सब ने अपनी अपनी अथॉरिटीज़ अपनी कर ली, और इसके बाद में इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आए कि जब सब डिसइंटीग्रेट ही हो गए तो पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पॉवर्टी और ये सब चीज़ें इंक्रीज हो गई, तो इससे और भी जो एम्पायर है वो वीक होता चला गया। फिर रीजनल स्टेट्स उभर के आएंगे, इस मैप के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये सारे स्टेट्स हैं वीक स्टेट्स बनकर आएंगे। फिर इसके बाद में लिमिटेशंस हमने देखा, लेकिन कुछ स्टेट्स के लिमिटेशंस भी थी कि ये एक रीजनल बेस्ड ही थे, ये मॉडर्नाइज नहीं थे, जागीरदारी क्राइसिस यहाँ पे थी, तो ये इतने ये भी डेवलप नहीं हो पाए। और कुछ सोशो इकोनॉमिक हमने कंडीशंस देखी कि एग्रीकल्चर कैसा था, ट्रेड कैसा था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हम कहाँ से क्या करते थे, एजुकेशन कैसी थी, वुमेन का रोल क्या था, स्लेवरी कैसी थी, कास्ट कैसा था, कास्ट सिस्टम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड गुड लक।